है गाइस, मैं प्रोफेसर बोरिस और आज 22 जुलाई है और आज भी सोने वाले मिलकर हमारा बहुत गंदा वाला काटा है। टेंशन मत लो, मैं आज तुम लोगों को बताऊंगा कि किस दिन को ट्रेलर आने के चांसेस है। तो बिना किसी डर के लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। इसका नाम अनिदिता है और इसको अपने बोन मैरो के ऑपरेशन के लिए 50 से 60 लाख तक का रुपया चाहिए। तो तुम में से जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, चलो इंसानियत के नाम पर कुछ तो दान कर दो। इसका गूगल पे और बैंक अकाउंट का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना और कुछ डोनेट भी कर लेना, 10, 15, 20 जो भी हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो पर। ओए इंट्रो लगा पे। तो जैसे कि मैं अभी इंट्रो कौन तेरा सारा लगाएगा, बोझड़ी चुपचाप इंट्रो लगा। देखो लोकी के एपिसोड 6 पे मल्टीवर्स को पूरी तरह से देखने के बाद हम फैंस को ये उम्मीद तो है कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक स्पाइडरवर्स मूवी होने वाली है। देखो मूवी तो इस साल दिसंबर में आने वाली है और जनता को जो चाहिए वो है उसका ट्रेलर। पता नहीं सोने वाले कौन सा बीडीपी थे अभी तक ट्रेलर रिलीज नहीं किया है। और स्पाइडरमैन नो वे होम का जो लीक्स है, मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा लोग ने उस लीक्स को देख लिया होगा। तो फिर से देख लो ना, कोई तकलीफ है? मुझे तो कुछ डरना है ना, फिर से देख लो। देखो मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि शायद ये लोग अगस्त में ट्रेलर लॉन्च कर सकते हैं व्हाट इफ से पहले। देखो व्हाट इफ का मार्वल लेजेंड्स अगस्त 3 से प्रीमियर होने वाला है, तो मेरे हिसाब से अगस्त 1 या 2 में उनको ट्रेलर लाना चाहिए। देखो मार्वल वालों ने ऑफिशियली मल्टीवर्स का अनाउंस कर चुके हैं, तो फिर हम तुम क्यों ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि टॉबी और एंड्रो फिर से दिखने वाले हैं? आखिरकार इतने सालों बाद टॉबी और एंड्रो फिर से आने वाले। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टॉबी को देखने के लिए। और मेरा कॉम्बिनेशन तो हमेशा खाली रहता है, तुम लोग अपने ओपिनियन रख सकते हो कि तुम्हें कौन सा स्पाइडरमैन देखना ज़्यादा पसंद है, टॉबी, एंड्रू और टॉम। और हाँ वो कहते हैं ना, दुनिया जितने अच्छे लोग हैं उनसे कई ज़्यादा चूते लोग भी है। और वही चूते लोग आके कहेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम एक नॉर्मल मूवी होने वाली है, उसमें ना तो कोई मल्टीवर्स होगा ना ही कोई स्पाइडरवर्स। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी जो रिसेंट कुछ पोस्टर के लीक आए हैं या फिर जेमी फॉक्स ने जो पहले स्पाइडरमैन नो वे होम से कुछ अपडेट डाला था, तो उस वक्त तुम लोग कहाँ गए थे वे चादर मोड साले? चलो इतना बोल लिया तो फिल्म के कास्ट के बारे में बात कर ले। जिस कास्ट के बारे में मुझे कंफर्मेशन है कि वो इस फिल्म में हो सकते हैं या फिर है भी, हो सकते हैं क्या भाई? तो सबसे पहले हमारा टॉम हॉलैंड एज पीटर पार्कर, जेंडेया एज एमजे मैरी जेन, और जेकब बटलर एज नेड लिड्स, मैरिसा टोमे एज एंट मे, और फिर हमारा आते हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज डॉक्टर स्ट्रेंज एंड बेनेडिक्ट वोंग एज वोंग, हाँ ये भी है स्कूल, और फिर चार्ली कॉक्स एज मैट मॉडॉक, डेडविली मैट मॉडॉक, और फिर जेमी फॉक्स एज इलेक्ट्रो, विलियम डफो हमारा नॉर्मन ऑस्बॉर्न, हमारा प्यारा किंग रॉब्लिन, और फिर अल्फ्रेड मोलिना एज डॉक्टर ऑक्टोपस, और मेरे फेवरेट टोबी मैग्वायर एज पीटर पार्कर एंड स्पाइडरमैन, आई लव इट। एंड आखिर में एंड्रू गारफील्ड एज स्पाइडरमैन। और अगर हम रूमर के अकॉर्डिंग कास्ट की बात करें तो पहले आते हैं जेक एलन का मिस्टीरियो, फिर आता है माइकल मुंडो का स्कॉर्पियन, शायद ये हो भी सकता है, और फिर थॉमस हिडन चर्च का सैंडमैन, और फिर माइकल कीटन का वल्चर, वल्ची वल्ची, और फिर पॉल गिगामायती का राइनो, और आखिर में रैन इफान्स का लिजर्ड। खैर ये तो मूवी में है कि नहीं वो तो मूवी के आने के बाद ही पता चलेगा। और अगर हम बात करें ट्रेलर के बारे में तो मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ जो मार्वल हमेशा करते हैं, ट्रेलर में कुछ और दिखाएंगे और मूवी में और। ये नहीं कि स्पाइडरवर्स नहीं हुए हैं, वो ट्रेलर में टॉबी और एंड्रू को नहीं दिखाएंगे। ओके मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे तुम नोट कर लो, UPSC के एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि सोनी वाले हमें नो वे होम का ट्रेलर व्हाट इफ से पहले दिखा देंगे, शायद अगस्त 2 को। अगर वीडियो देखिए कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना तो उसके बाद वाला घंटा दबा देना ताकि तुम लोग नोटिफिकेशन पाओ। और हाँ आखिर में बस सिर्फ एक बात फिर से तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इस बच्चे के लिए जितना भी हो सके डोनेट कर देना। इसका गूगल पे और बैंक कार्ड का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर चेकआउट कर लेना और डोनेट कर देना, कुछ भला हो जाएगा यार। इसी के साथ मैं प्रोफेसर बोरिस अक्सर बिता लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अरे हमसे सावधानी डायलॉग यही बोलते होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।